अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नूरीज बॉम्बे किचन। आज मैं बना रही हूँ गोट स्प्लीन फ्राई। उसके लिए मैंने ली है 3 तिल्ली, जिसको मैंने कट करके हल्दी नमक लगाया था और आधा घंटा फ्रिज में रखा था। अब मैंने इसको बाहर निकाल के वापस से वॉश करके रख दिया है। इसके लिए मैंने लिया है नमक। नमक एकदम कम लेना है क्योंकि ये तिल्ली में ऑलरेडी नमक मैंने लगा के रखा था। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 लेमन जूस एंड हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर चॉप्ड। अब जो है मैंने कढ़ाई गरम की है, उसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। जब ऑयल गरम हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। रेड चिली पाउडर सॉल्ट। इस मसाले को भूनने के लिए मैं गैस बारीक कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ऑयल सेपरेट होने तक इसको भूनना है। अब ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, अब मैं इसकी फ्लेम फास्ट करूँगी और ये जो तिल्ली है जिसे स्लीन भी कहते हैं वो मैं ऐड करूँगी। और इसको हाई फ्लेम पे ही भूनना है। कुछ सेकेंड इसको हाई फ्लेम पे भुनने के बाद इसका गैस जो है मैं स्लो कर दूंगी और इसको तकरीबन 2 मिनट तक मैं भुनने दूंगी। अब इसे मैंने तकरीबन 2 मिनट ढक्कन लगा के भुना है। अब इसको मैं खोल के इसमें जो है इसका खुद का पानी छूटने लगा है। अब फ्लेम हाई कर दूंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट और पकाऊंगी इसको ताकि इसका पूरा पानी जो है सूख जाए। इसको कंटिन्यूस स्टर करते रहना है वरना ये नीचे चिपक जाएगा। और अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप फ्लेम स्लो कर दें। अब इसे मैंने काफ़ी देर भून दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस और चॉप कोरिएंडर। इसे और मैं 1 मिनट तक भूनूंगी। ये रेडी हो चुका है। 1 मिनट के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी और फिर आपको सर्व करके बताऊंगी। गोट्स प्लेन फ्राई या फिर तिल्ली जो बोलते हैं, इट्स रेडी टू सर्व। इसे आप ऐसे ही रुकी रुकी खाएं या फिर रोटी के साथ सर्व करें, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।